हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज़ हुई अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म द लेक हाउस के बारे में, जिसे एलेजांड्रो अग्रेस्ती ने डायरेक्ट किया और डेविड ऑबर्न ने लिखा था। ये मूवी साउथ कोरियन इल्मारे का रीमेक थी। इस मूवी में टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये उन मूवीज़ में से एक है जिसे देखने के लिए हमें अपने दिल से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिमाग से समझने वाला कुछ नहीं है। और जो लोग इसमें लॉजिक ढूंढने वाले हैं वो इससे दूर ही रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें तर्क वितर्क से परे होती हैं, जो होती तो हमारे सामने हैं पर हमें नज़र नहीं आती। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये मूवी देखोगे तो खुद समझ जाओगे। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो इसे ओरिजिनल फिल्म इल्मारे के मुकाबले बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, और इसे IMDb पे 6.8 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटो पे 36% और मेटाक्रिटिक पे 52% की रेटिंग मिली थी। ये मूवी एक आर्किटेक्ट और एक डॉक्टर के प्यारे रिश्ते को दर्शाती है, जो कि समय सीमा से परे एक अनोखा रिश्ता बना लेते हैं और एक मेलबॉक्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ टाइम बाद दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं पर चाहकर भी मिल नहीं पाते। अब उनके साथ ऐसा क्या होता है और वो क्या वजह होती है, वो हम आगे मूवी में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं डॉक्टर केट को, जो कि 2006 में एक बहुत ही खूबसूरत लेक हाउस खाली करके जा रही थी, जो उसने वहां रहने के लिए रेंट पे लिया था। पर जाने से पहले लेक हाउस के मेल बॉक्स में अगले आने वाले किराएदार के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसमें वो लिखती है कि जब वो इस घर में आई थी तो कुत्ते के पैरों के निशान, जो कि बाहर से होते हुए घर के अंदर जाते थे, यहाँ पहले से मौजूद थे, और उसे घर की छत पे एक बॉक्स भी मिला था जो पहले से वहां रखा था। और लेटर के पीछे अपना करंट एड्रेस छोड़कर जाती है ताकि कोई उससे कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ केट जाती है और एलेक्स वाइलर, जो कि एक आर्किटेक्ट होता है, वहाँ रहने के लिए आता है, और उसे केट द्वारा रखा हुआ लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि जब वो घर में चेक करता है तो वहाँ किसी कुत्ते के पैरों के निशान नहीं होते और ना ही उसे वहाँ से कोई बॉक्स मिलता है। बल्कि जब एलेक्स ने वो घर खरीदा था तो वो बिल्कुल खस्ता हाल था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जब कोई इस घर में रहता ही नहीं था तो इसके बारे में कोई क्यों लिखेगा। अब अगले सीन में एलेक्स उस वीरान घर की साफ सफाई करता है और उसे पेंट करता है। जब वो घर की ग्रिल पेंट कर रहा होता है तो एक आवारा कुत्ता उसके घर में घुस आता है और पेंट बकेट में उसके पैर पड़ने से रास्ते पे पैरों पे निशान छप जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि केट जिसके बारे में उसे कह रही थी, ये वही पैरों के निशान थे। यहाँ दूसरी तरफ वैलेंटाइन डे के दिन केट अपनी माँ के साथ डेली प्लाजा में बैठी होती है कि अचानक वहाँ एक एक्सीडेंट होता है। चूँकि केट एक डॉक्टर होती है और वो भागकर उस शख्स को बचाने जाती है और 911 को कॉल करती है, पर वो शख्स वहीं मौके पर मर जाता है, जिसका केट को गहरा सदमा लगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाती। हॉस्पिटल में एक कलीग उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे कहती है कि दिल बहलाने के लिए तुम किसी ऐसी जगह चली जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो वो टहलने के लिए उसी लेक हाउस में चली जाती है जहाँ वो रहती थी। अब उसकी नज़र मेलबॉक्स पर पड़ती है जिसका फ्लैग ऊपर था। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक लेटर होता है। जब वो उसे पढ़ती है तो वो देखती है कि वो चिट्ठी एलेक्स की होती है, जिसमें वो लिखता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये घर काफ़ी समय से वीरान था और मुझसे पहले यहाँ कोई नहीं रहता था, तो ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है जैसा तुम कह रही हो। तो ये पढ़कर केट भी अचंभित हो जाती है और एलेक्स को वापस लिखती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो जो कह रही है वो सच है, क्योंकि वो वहाँ रहती थी और उसने सब वो खुद देखा था, और उसे बताती है कि ये 2006 है। तो एलेक्स पढ़कर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए अभी 2004 चल रहा था। तो उसे लगता है कि शायद मिस्टेकनली उसने डेट गलत डाल दी हो और उसे इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में हम मिस्टर वाइलर को देखते हैं, जो एलेक्स का पिता और उस शहर का एक फेमस और नोन आर्किटेक्ट होता है। यहाँ एलेक्स अपने भाई से मिलता है पर अपने पिता से बात नहीं करता। उसके पीछे क्या वजह होती है वो हम आगे मूवी में देखेंगे। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं और एलेक्स अपने भाई को बताता है कि उसने एक लेक हाउस खरीदा है और एक कुत्ता भी रखा है। फिर वो अपने भाई के साथ केट के बताए पते पर चिट्ठी डालने जाता है, पर वो देखता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग ही नहीं होती जहाँ कोई रहता हो। तो वो वापस लेक हाउस आ जाता है और मेल बॉक्स में चिट्ठी डाल देता है और केट को बताता है कि मैं वहाँ गया था पर शायद तुमसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है और अगले 18 महीनों तक शायद बनकर तैयार हो जाए, और शायद तुमने लेटर पे डेट भी गलत डाल दी थी क्योंकि ये 2006 नहीं 2004 है। जिसपे केट उसे वापस लिखती है और कहती है कि तुम बीमार हो और मेंटली सिक भी, तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है।
अब अगली सुबह वो दोबारा उसे मेलबॉक्स में लेटर डालता है, पर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि मेलबॉक्स का फ्लैग अपने आप नीचे हो जाता है और फिर अपने आप ऊपर हो जाता है। वो भागकर वहाँ जाता है तो उसमें एक चिट्ठी होती है। वो आसपास देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ दूसरी तरफ केट के साथ भी ऐसा ही होता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, जिस पे वो कहता है कि मैं लेक हाउस पे हूँ। चूंकि वो भी लेक हाउस पे ही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब इस सारी कन्फ्यूजन में वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और धीरे धीरे वो सब समझने लगते हैं। दरअसल ये दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में होते हैं, जहां एलेक्स 2004 में होता है वहीं केट 2006 में होती है, और दोनों 2 साल के डिफरेंस से चल रहे होते हैं। पर मेलबॉक्स दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, मतलब वो एक मीडियम होता है पास और फ्यूचर को जोड़ने का। अब एलेक्स को सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि क्यों कुत्ते के पैरों के निशान उसे नहीं दिखे और फ्यूचर में केट को दिखे, और उसे कहता है कि शायद हमारे पास सेम कुत्ता है, जिसपे केट उसे अपने डॉग का हुलिया बताती है, और ये भी कि उसका नाम जैक है, तो एलेक्स भी उसे जैक ही बुलाने लगता है। अब दोनों एक दूसरे को अपनी हॉबी बताते हैं। केट कहती है कि मुझे पढ़ने का शौक है, तो एलेक्स कहता है कि मुझे शहर डिस्कवर करने का। फिर एलेक्स केट को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शहर घूमना चाहोगी, और मेलबॉक्स के थ्रू केट को शिकागो शहर का नक्शा भेजता है, जिसमें वो अपनी फेवरेट जगह मार करके भेजता है। और फिर केट 2006 में और एलेक्स 2004 में इकट्ठे वहीं घूमते हैं जहां उसने मार किया होता है। अब अगले सीन में एलेक्स अपने पिता से मिलने आता है और गिले शिकवे मिटाने की पहल करता है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। फिर आगे केट ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या वो सच में पास्ट में ही है या उससे कोई खेल रहा है, उसे कहती है कि आज से ठीक 2 साल पहले ट्रेन से ट्रैवल करते हुए मेरी फेवरेट नॉवेल परसुएशन स्टेशन पे छूट गई थी, जो कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, तो क्या तुम मेरे लिए वो नॉवेल ढूंढ सकते हो, और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो क्या तुम उसे मेल बॉक्स में डाल दोगे। तो एलेक्स 2004 में स्टेशन जाता है और उसे वहाँ केट अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ दिखाई देती है, और उसके जाने के बाद उसे वो नॉवेल भी मिलता है, जिसे देने के लिए वो ट्रेन के पीछे भागता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर ट्रेन वहाँ से चली जाती है। तो एलेक्स चिट्ठी लिखकर फ्यूचर वाली केट को बताता है कि मुझे तुम्हारा नॉवेल मिल गया था और एक दिन मैं उसे तुम्हें वापस ज़रूर करूँगा। अब यहाँ 2006 में केट का बॉयफ्रेंड मॉर्गन उससे मिलने आता है, जिसका पहले केट से ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसने केट को किसी अनजान शख्स के साथ किस करते देख लिया था, और तब के बाद ये अब मिल रहे थे। यहाँ 2004 में एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है कि उसका कुत्ता जैक भाग जाता है और सीधा मॉर्गन के पास पहुँच जाता है। यहाँ एलेक्स मॉर्गन से मिलता है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि आज केट का बर्थडे है, और मॉर्गन उसी की तैयारियाँ कर रहा था। यहाँ एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि ये वही केट है जिसे वो फ्यूचर में बात कर रहा है, तो मॉर्गन उसे रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। अब रात में मॉर्गन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है, पर एलेक्स उसे नहीं बताता कि वो उसे जानता है, क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि इस टाइम तक केट उसे नहीं जानती थी, और अगर वो उससे सारी चीज़ें बताता तो या तो वो उसे पागल समझती या उससे दूर भाग जाती, और वो उससे दूर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वो भी चुप रह जाता है। यहाँ बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और ये सीन मॉर्गन देख लेता है। दरअसल एलेक्स ही वो लड़का होता है जिसे केट ने पास्ट में किस किया था, जिसकी वजह से मॉर्गन और केट में ब्रेकअप हो गया था। अब फ्यूचर में केट को धुंधला सा याद आता है और वो कहती है कि अच्छा तुम थे वो जिसे मैंने किस किया था, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पे वो कहता है कि अगर मैं उस वक्त तुम्हें बताता तो तुम मुझे पागल समझती। अब अगले सीन में एलेक्स के पिता को हार्ट अटैक आता है और एलेक्स उसे देखने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है और एलेक्स को पता चलता है कि वो लेक हाउस जिसमें वो रह रहा है वो एक्चुअली में उसके पिता ने उसकी माँ को गिफ्ट करने के लिए बनाया था, पर दोनों की अच्छी बनी नहीं और दोनों अलग हो गए, और उसके पिता के मन में इतनी कड़वाहट थी कि वो उसकी माँ के फ्यूनरल पे भी नहीं आया था, और इसीलिए एलेक्स अपने पिता से नाराज़ था और उससे कभी मिला ही नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ फ्यूचर में केट को पता चलता है कि आज ही के दिन उसके पिता की डेथ हुई थी, तो वो फ्यूचर से उसके पिता की लाइफ वर्क्स की बुक जो एलेक्स के टाइम पे पब्लिश नहीं हुई थी उसे मेल बॉक्स में भेजती है। एलेक्स वो बुक देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसमें लेक हाउस प्रोजेक्ट के टाइम की फ़ोटो होती है जिसमें एलेक्स और उसका पिता साथ होते हैं। यहाँ वो फूट फूट कर रोता है। अब आगे दोनों रियल में मिलने का प्लान बनाते हैं, तो एलेक्स इल मारे रेस्टोरेंट में कल से 2 साल बाद की रिजर्वेशन करवाता है, जो कि केट के लिए फ्यूचर में परसों का दिन होता है। तो सब सेट होता है, केट परसों के दिन रेस्टोरेंट पहुंचती है और एलेक्स का वेट करने लगती है, पर वो काफ़ी वेट करती रहती है पर एलेक्स नहीं आता। उसका दिल टूट जाता है
और उसे लगता है कि ये सब काम नहीं करेगा और हम शायद कभी मिल नहीं पाएंगे और हम बेकार में ही झूठी उम्मीदों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो केट को लिखता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी जो मैं नहीं पहुंचा, और कहता है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। पर केट कहती है कि आज के बाद तुम मुझे लेटर मत लिखना, हमें इस रिलेशन को यहीं ख़त्म करना होगा क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पर फिर भी एलेक्स उसे काफ़ी टाइम तक लेटर लिखता रहता है, पर केट उसका कोई जवाब नहीं देती। अब एलेक्स भी लेक हाउस छोड़ देता है और अपने भाई के साथ शिफ्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। अब एक दिन फ्यूचर में केट को अपने अपार्टमेंट के फ्लोर से अपनी खोई हुई बुक परसुएशन मिलती है, जो उसने एलेक्स को ढूंढने को कहा था, जिसे देखने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। अब टाइम कुछ आगे निकलता है और एलेक्स 2006 में पहुंच जाता है और केट 2008 में। अब एक दिन केट अपना घर खरीदने का मन बनाती है और उसे एक घर पसंद भी आता है, पर उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती, तो वो उसे रेनोवेट करवाने के लिए एक आर्किटेक्ट के पास जाती है। वो आर्किटेक्ट एलेक्स का भाई होता है, तो मीटिंग के दौरान उसका ध्यान दीवार पे टंगी लेक हाउस की ड्राइंग पे जाता है और उसके पूछने पे उसे पता चलता है कि ये ड्राइंग एलेक्स वाइलर ने बनाई थी और आज से ठीक 2 साल पहले वैलेंटाइन के ही दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि 2 साल पहले डेली प्लाजा में जो शख्स उसकी बाहों में मरा था वो एक्चुअली में एलेक्स ही था, और इसीलिए वो उस टाइम फ्यूचर में केट के साथ डेट पर नहीं आ पाया था क्योंकि वो फ्यूचर में ज़िंदा ही नहीं था। तो केट को रियलाइज़ होता है कि एलेक्स मुझसे ही मिलने आया था पर रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इधर 2006 में एलेक्स को अपने भाई से पता चलता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो उसे कुछ याद आता है और वो भाग कर लेक हाउस जाता है और वहाँ पड़ी चिट्ठियों में से उसे पता चलता है कि आज के दिन केट अपनी माँ के साथ डेली प्लाजा में बैठी थी, तो वो ये मौका खोना नहीं चाहता था और वो उसे मिलने डेली प्लाजा पहुँच जाता है। यहाँ दूसरी तरफ 2008 में केट भी भाग कर लेक हाउस जाती है और जल्दी जल्दी एक लेटर लिखकर मेलबॉक्स में डाल देती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो उससे प्यार करती है और अगर वो भी उससे प्यार करता है तो उससे मिलने की कोशिश ना करे, बल्कि 2 साल का वेट करे और फ्यूचर में आकर मुझे सीधा लेक हाउस पे मिले। अब यहाँ हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जब केट अपनी माँ के साथ डेली प्लाजा में बैठी थी। यहाँ एलेक्स उसे मिलने पहुँच जाता है और सड़क पार से उसे देखता है। उधर केट अपने घुटनों पर आ जाती है क्योंकि उसे डर होता है कहीं उसने देर तो नहीं कर दी, और पता नहीं एलेक्स ने वो लेटर देखी होगी या नहीं। पर कुछ टाइम बाद एक लंबे पॉज के साथ मेलबॉक्स का फ्लैग नीचे हो जाता है, जिसका मतलब कि एलेक्स ने वो लेटर पढ़ ली थी। अब यहाँ एलेक्स सड़क पार करने लगता है पर रुक जाता है और अपनी मौत को टाल देता है। यहाँ दूसरी तरफ 2008 में केट के पास एक फैमिलियर सा ट्रक आकर रुकता है, जिसमें से एलेक्स उतरता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लेक हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं, और यहाँ मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। तो आई एम श्योर ये मूवी देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर एलेक्स लास्ट में केट से कैसे मिला, क्योंकि उन दोनों में 2 साल का डिफरेंस था और अगर एलेक्स के लिए 2 साल का समय था तो केट के लिए भी 2 साल ही बीते होंगे। मतलब अगर वो 2006 में जिंदा बच गया था और फ्यूचर वाली केट 2008 में थी, तो 2 साल वेट करने से एलेक्स पहुंचा 2008 में और केट पहुंची 2010 में, तो दोनों मिल कैसे गए? और क्या वो दोनों भी टाइम ट्रैवल करके समय में आगे पीछे जा रहे थे? मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपके इन सब सवालों के जवाब दे पाऊँ, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो बात करते हैं इसकी एक्चुअल स्टोरी की। दरअसल एलेक्स और केट 2 अलग अलग टाइमलाइंस में होते हैं। एलेक्स होता है 2004 में और केट होती है 2006 में। तो दोनों की बात शुरू होती है कन्फ्यूजन से, जो बाद में एक प्यारी सी लव स्टोरी का रूप ले लेती है। अब यहाँ कई सारे सीन में हमें एलेक्स और केट एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, पर वो एक ही जगह पर होते हुए एक दूसरे को देख नहीं पाते ड्यू टू डिफरेंट टाइमलाइंस। अब ये कैसे पॉसिबल था, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप सबने पबजी तो ज़रूर खेली होगी। अब सपोज करो कि आप अपने टीममेट के साथ पोचिंग की उतरे, पर उतरते ही आप मर गए, पर आपका फ्रेंड अभी भी जिंदा है और खेल रहा है। तो आप दोबारा से नए टीममेट के साथ उसी टाइम दोबारा पोचिंग की उतरते हैं, पर आपको कोई भी टीममेट पुरानी गेम वाला यहाँ नहीं मिलेगा, जबकि वो भी वही खेल रहे हैं और उसी घर में मौजूद है जहाँ अभी आप खड़े हो। पर ना तो वो आपको देख सकते हैं और ना ही आप उनको, क्योंकि आप दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में खेल रहे हो। आप 2 मिनट बाद खेल रहे हो, वो 2 मिनट पहले वाली टाइमलाइन में खेल रहा है। कुछ ऐसी ही कंडीशन उन दोनों की होती है। और अगर बात करें कि एलेक्स लास्ट में केट से कैसे मिल गया, तो ये प्रैक्टिकली और लॉजिकली संभव ही नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एलेक्स केट से 2 साल पीछे था। और मान लो अगर वो उस एक्सीडेंट में बच भी गया, तब भी तो वो केट से 2 साल पीछे ही रहेगा,
और इन दोनों में से कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं करता जैसा हमने मूवी में देखा। बस वो मेलबॉक्स ही एक मीडियम था पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट करने का, और वो उसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को भेज सकते थे, ना कि खुद पास्ट या फ्यूचर में जा सकते थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि दोनों एक ही टाइमलाइन में मिल पाते। हाँ, ये हो सकता था कि पास्ट वाला एलेक्स किसी तरह पास्ट की ही केट को पटा लेता, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्स को ताक पे रखते हुए मूवी के डायरेक्टर ने ये खेल खेल दिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये दिल वालों की मूवी है, ना कि दिमाग वालों की। वैसे तो ये सारी मूवी बहुत ही फैंटास्टिक थी और कहीं भी हमें बोर नहीं करती, पर अगर इसकी एंडिंग कुछ और होती तो और भी मज़ा आता। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।